सब पका हाँ हाँ टने पका हटा मोटर है así te con con que me con नमस्ते, सबको स्वागत है नया वीडियो में। और आज हुआ है अंडा करी, अंडा का भाजा मसाला और ये अलग से दाल और मुनगा साग, दाल और मुनगा साग हमने दिया है। और आप कमेंट करें दोस्तों, दाल और मुनगा साग एक ऐसे हाँ एक साथ बना करके खाए हो कि नहीं। अगर नहीं खाए हैं तो जरूर ट्रायल करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का डिनर को शुरू करते हैं। और आज शनिवार है, शायद संडे में ये वीडियो आएगा और आप सब देख रहे होंगे, संडे में ही पब्लिश करेंगे। और आधा खा करके हम बंद कर देते हैं वीडियो, इसीलिए कमेंट आया था। तो इस बार हम पूरा फुल वीडियो आपको दिखाएंगे, पूरा खाना ख़त्म होने के बाद वीडियो ख़त्म होगा दोस्तों। और वहाँ पे बच्चे लोगों मोनिशा, मोहिमा, मोनिका वो अलग से नीचे बैठ के खाए और हम यहाँ पे खाओ। और धीरे से खाने के लिए भी कमेंट आया था, और धीरे से ही खाएंगे हम, स्पीड नहीं खाएंगे, आराम से खाएंगे। मुन्नी का खाना खत्म हो गया तो पीने के लिए पानी थोड़ा फ्रिज का ला दो।
पानी पियो बेटा, अगर पीना है तो यहाँ पे है, पी लेना। ये कारी लो थोड़ा। महिमा, अंडा एक्स्ट्रा है क्या? बचा हुआ है कि नहीं देख तो, अगर बचा हुआ है तो ना। अच्छे। अच्छे। दोस्तों बच्चे लोगों ने जी भर के खाया था चार ठो, और बचा हुआ था दो ठो, पवित्र को भी तीन ठो लिया हुआ था और हम दो दो लिए थे। तुम्हें तो और अंडा खाएगा है? Yeah.
जो मन मोनिका तेरा मामी को चावल लाके दे थोड़ा पापा। तेरा माँ को चावल लाके दे दे, मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरा हो गया। दोस्तों अंडा करी, अंडा का जो मसाला, अंडा का जो उसका जो तारी है, थोड़ा मसाला ज़्यादा हो गया है और तीखा हो गया है, ज़्यादा थोड़ा स्पाइसी हो गया है। दाल खाओगे जरूरी। दाल तो अच्छा है, अच्छा हुआ है दाल का। मुनिका बेटी पानी थोड़ा ला, फ्रिज का पानी। ये पर ज़्यादा ठंडा है क्या? हाँ तो ये आधा देना और नॉर्मल का आधा। बस 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 बस, और नॉर्मल पानी ला के आधा दे। दोस्तों मेरा हो गया है, मैं तो नहीं खाने वाला हूँ, मेरा पेट भर गया। बस 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 बस। नहीं, ये पानी खत्म हो गया। दोस्तों वीडियो को यहीं पे नहीं रखते हैं, बस पुश करते हैं। कल संडे में पब्लिश होगा तो कल का वीडियो भी आपको इसी वीडियो में ही देखने के लिए मिलेगा। अभी से वीडियो छोड़िएगा मत, स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी का प्यार हमारा परिवार को मिल रहा है, हम बहुत खुशी हैं। जितना भी देख रहे हैं वीडियो को, हमारा दिल खुश हो रहा है। दोस्तों अगर चैनल पे नए नए जुड़े हुए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे पुश करते हैं। सबको गुड नाइट, और आज का रात में आपके घर में भी क्या क्या खाना हुआ है जरूर कमेंट कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं संडे के सुबह में। बाय बाय गाइस, मैं जा रहा गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको स्वागत है दूसरा दिन में। आज संडे है दोस्तों, और मैं जंगल आया हुआ हूँ सुबह सुबह ही, और रात में बहुत ज़्यादा
आंधी तूफान आया था दोस्तों, पूरा बहुत ही ज़्यादा आंधी तूफान आया था, लेकिन एक भी पेड़ नहीं गिरा, उसका डाली नहीं टूटा। जो कि मैं जहाँ पे कार रखता हूँ दोस्तों, वहाँ पे पास में ही एक जैक फ्रूट का पेड़ है दोस्तों, कटहल का पेड़ है एक, तो बहुत ज़्यादा हिल रहा था रात में। अगर डाली अगर टूट गया तो मेरा कार के ऊपर गिर जाएगा और कार पूरा ख़राब हो जाएगा, ऐसा सोच रहा था, लेकिन एक भी डाली नहीं टूटा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा भयंकर आंधी तूफान आया था दोस्तों। और मैं एक पत्ता लेने आया हूँ दोस्तों जंगल में, और यहाँ पे मधुमक्खी था दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। किसी ने काट करके ले लिया उसका रस को, उसका हनी को किसी ने ले लिया, अभी भी उसका मक्खी उड़ रहा है। अरे बाप रे, डर लग रहा है मेरा। देखिए दोस्तों, किसी ने काटा है कि नहीं काटा है, अगर नहीं काट लिया है तो हम काट के ले जाएंगे, अंदर में डेरा किया होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, काजू है, देसी काजू का पेड़, उसका काजू भी है ऊपर में, फल आया है। लेकिन नहीं पक है, रेडी हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ऊपर एक काजू का पेड़ है, ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाऊंगा और आपके सामने मैं खाऊंगा दोस्तों। जंगल में है दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारा है दोस्तों, ढूंढना पड़ेगा देसी काजू का पेड़। और अभी तो उसका फल आया है और फल पक रहा है, उसका अभी टाइम है दोस्तों, उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिर भी मैं यहाँ पे चढ़ूँगा और एक खाऊँगा मैं आपके सामने। देसी जंगल का जो काजू का पेड़ है दोस्तों, उसका फल एक अलग ही टेस्टी आता है, लेकिन बहुत ध्यान से चढ़ना पड़ता है दोस्तों। अगर इसका रस, अगर इसका पेड़ का रस अगर थोड़ा सा भी आपके शरीर में लग गया तो बहुत ज़्यादा घाव आता है दोस्तों, डेंजर भी है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं वीडियो को पुश करता हूँ, ऊपर चढ़ूंगा तभी मैं आपको फिर दिखाऊंगा। दोस्तों मैं ऊपर चढ़ गया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों, मैं आपको पास से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, इसमें से एक रेडी हुआ है और एक रेडी नहीं हुआ है खाने के लिए, ये पक चुका है पूरा अच्छे से, इसको हम खाएंगे। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसको अभी खाने वाला हूँ। इसको फेंक देंगे, एक नंबर टेस्ट लग रहा है दोस्तों। और दूसरा भी एक ले लेंगे दोस्तों। नहीं हो रहा है दोस्तों, ऐसे चार पांच तो मैंने खा लिया दोस्तों, पूरा बहुत ही मीठा लगा था, चीनी जैसा, पूरा चीनी गुड़ जैसा मीठा लगा था। अभी मैं उस पत्ता को मैं ढूंढ रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। और आज संडे है, चर्च जाना है अभी। दोस्तों मैं घर वापस जा रहा हूँ, मुझे नहीं मिला वो पत्ता, दूसरा दिन फिर ढूंढेंगे अच्छी तरह से और उसका भी एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। वो पत्ता ऐसा पूरा बहुत ही ऐसा राउंड राउंड होता है दोस्तों, गोल गोल होता है वो पत्ता, वो पत्ता को भी खाते हैं, बना करके बहुत ही टेस्टी लगता है। और वो पत्ता का वीडियो मैंने कहीं भी वीडियो नहीं बनाया हूँ स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक,
इसीलिए वो पत्ता का अलग से एक वीडियो बनाएंगे। छत के ऊपर परा है, उसको चावल दे दो जा करके। दोस्तों रात में दोस्त जो कि एक छत के ऊपर छाया के ऊपर एक मुर्गी अंडा दिया था और उसका बच्चा भी आ गए थे, चार ठो बच्चे थे, लेकिन रात में सोने के लिए वो बाहर ही सोया हुआ था और बच्चे लोगों को भी ऐसा पकड़ के सोया हुआ था। तो रात में बहुत ज़्यादा जो आंधी तूफान आया था उसी टाइम पे शायद रात में ही उड़ा के ले गया बच्चे लोगों को कि पता नहीं, उसका माँ अकेला ही घूम रहा है और वो चार बच्चे जो है ना वो नहीं दिख रहा है दोस्तों। पता नहीं रात में बहुत आंधी तूफान आने के वजह से शायद वो बच्चे लोगों उड़ गए होंगे आंधी तूफान में, और बहुत भयंकर आंधी तूफान आया था। मैं तो सोचा भी नहीं था, याद भी नहीं किया कि मुर्गी लोगों बाहर हैं बोल के, क्योंकि बाहर जो चप्पल वगैरह रखते हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे सोया हुआ था, यहाँ पे देखिए, ये तो पहला मुर्गी लोगों सोया हुआ था, उनका ये माल भी है, यहाँ पे सोया हुआ था, यहाँ पे शायद उड़ा के ले गया होगा आंधी तूफान, नहीं तो आंधी तूफान आने से इधर उधर डर के मारे इधर उधर हो गए होंगे मुर्गी, तो उसी टाइम पे बच्चे लोगों कहीं पे छुप गए होंगे पता नहीं। लेकिन वो मुर्गी लोगों का माँ, तो वो मुर्गी तो बड़ा वाला मुर्गी, वो तो रो रहा है शायद, ढूंढ रहा है उनका बच्चे लोगों को। दोस्तों यहाँ पे आम का पेड़ जो कि हम लगाया था, चार साल में इतना बड़ा हुआ है, लेकिन आम का फूल आया था लेकिन आम का फल जो है ना वो टूट गया, सब नीचे गिर गया, एक ठो आम ही बचा है दोस्तों, मैं आपको दिखा चुका अभी, यहाँ पे देखिए एक ठो आम ही हुआ है, सब झड़ गए। और हमारा नींबू का पेड़ में भी नींबू आया है, लेकिन छोटा छोटा है दोस्तों, मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, नहीं दिख पाओगे आप। और यहाँ वहाँ का लेकिन आम का फूल अब अभी आ रहा है, देखिए दोस्तों, देखिए अभी आ रहा है, बारिश के मौसम में ही खाएंगे हम, अभी आम का फूल आ रहा है इसमें। दोस्तों पहला जो फूल हुआ था सब आम इतना बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इस आम का पेड़ का आम का फूल अभी आ रहा है, तो फल बारिश में आएगा। तो कौन सा वाला आम है दोस्तों, इसका नाम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन इसको हम खरीद के लाए थे 700 रुपया में और लगाया है, ये भी अभी 2 साल से ज़्यादा हो गया है, 3 साल तकरीबन होगा, अभी 3 साल हो जाएगा। और यहाँ पे कद्दू दोस्तों अपने आप हुआ है, देखिए इसका साग तो हम कितना बार खा लिया, 2-3 बार। और ये भी है एक आम का पेड़, ये अपने आप उगा है दोस्तों, कौन सा वाला आम है पता नहीं, कब आएगा फल। और वहाँ पे जो लीचू बोलते हैं हम दोस्तों, काला कलर का होता है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, उसका फल भी आया है लेकिन बहुत छोटा छोटा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरा छोटा 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 हुआ,
लेकिन इसमें पानी लगेगा शायद, नहीं तो मर जाएगा। देखिए दोस्तों इस फल इस पत्ता को ऐसे ही खाते हैं दोस्तों। देखिए इसका ही वीडियो बनाया था हम उस दिन दोस्तों, ये हमारा घर में बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन खट्टा लगता है दोस्तों। दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा पापा ने ऐसे ही लगाया था पेड़, नींबू का पेड़, उसमें कितना ज़्यादा फल आया है दोस्तों, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मेरा बहन का घर गए हुए हैं मेरा मम्मी पापा, वहाँ से फ़ोन किए थे तो मैं उनको बोला पापा आपने जो नींबू लगाया था इस बार बहुत ही ज़्यादा फल आया है ऐसा मैं बोला। और दोस्तों हमारा यहाँ पे नींबू जो है ना बहुत ही महंगा में बिकता है, बहुत ही महंगा, पूरा दो नींबू में 10 रुपया, नहीं तो 2 नींबू में 15 रुपया ऐसा बिकते हैं। देखिए दोस्तों कितना सारा नींबू का फल आया है, ये है। देखिए दोस्तों ये भी है यहाँ भी और यहाँ भी, आपको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, देखिए चारों तरफ नींबू का फल आया है। ऊपर तो बहुत ज़्यादा आया है दोस्तों, देखिए और उस तरफ भी।